सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। मृतक को जीवा लनहार, भूखे को देवत आधार। सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे। परम सम्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे अध्याय 33 विच अज आपां मरे हुए कबूतरां नूं जीवालण दा प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल ये प्रसंग सरवण करिए। सतगुरु जी जिन्हां पास विशाल ज्ञान है उन्हां दी कोई भी बराबरी नहीं कर सकदा। उन्हां दा ज्ञान महान तों महान है। एक दिन सतगुरु जी ने सभा विच सारे सिखां नूं कहा, साडे नाल दखण विच चलो, उत्थे अनेक प्रकार दे कार्य करने बणदे हन जिहड़े टालियां भी टाले नहीं जा सकदे। भाई डल्ले नूं कहा, हे डल सिंह, दिल्ली दा राज लवो, तेरे सिर उपर ताज सजावांगे। हुण तुरकां नूं उहनां दे घर विच ही मारांगे ते तैनूं उहनां दे थां राज उपर बिठावांगे। इन्ना सुणन दी देर सी, सारां दा ध्यान अपने परिवारां विच चला गया। गुरु जी दी गल सुण के भाई राम सिंह, भाई दीवान सिंह अते भाई डल सिंह सारिआं ने जवाब दे दिता। डल सिंह अते होर जिहड़े सारे बराड सन उह दूर जाण तों डर धारण करदे सन। गुरु जी दे दो दीवान सन, एक दा नाम दरबारी सिंह सी अते दूसरे दा नाम करभारी सिंह सी। इस तरह सारिआं दे मनां विच हौल पैंदे सन, जिवें पिप्पल दा सुक्का पत्ता हवा नाल उड जांदा है। होर किन्नियां दे नाम गिणीए, दूर जाणा समझ के हिरदे धीरे रहित हो गए सन ते एक एक करके सारे खिसकना शुरू हो गए ते भज गए। इस तरह एक दिन गुरु जी ने केस वाह के जूड़ा किया ते सुंदर दाढ़ी विच कंघा फेरिया। दस्तार दे पेच बड़े सुंदर बन्ने सन ते गहणियां दी चमक बड़ी सुंदर जग रही सी। रेशम दा बड़ा सूखम जामा पाया सी जिस विच सारा शरीर झलकदा सी। वड्डी तलवार गल विच पाई सी जिस दी सारी मुठ नूं सोना लगा होया सी। पत्थे तीरां नाल भरे सन, जंग करन वास्ते लक नाल कसिया सी। सखत धनुख बाण हथ विच फड़िया सी, तैयार होए घोड़े नूं मंगवाया। नौहर नगर नूं वेखण वास्ते सतगुरु जी सुचेत बन के चले गए। कई पैदल सिंह नाल सन। सतगुरु जी फिर नगर विच प्रवेश कर गए। पहला जिथे चौड़ा चबूतरा है श्रोमणी सोढ़ी उत्थे पहुँच गए। पौड़ियां वाला जिहड़ा उच्चा स्थान सी उस उपर घोड़े नूं चढ़ा दिता। सतगुरु जी घोड़े समेत उच्चे स्थान ते खड़े हो गए ते दूर दूर तक वेखदे पए सन। जल दी सुराही रखण वाला दास थले तो भज के बड़ी छेती उपर चढ़िया। वह गुरु जी दे पास पहुँचना चाहुंदा सी। उस दे पैरां थले आ के एक कबूतर मर गया। उत्थे कुछ मनुख बैठे सन, उन्होंने कबूतर नूं मारन ते गुस्सा धारण किया ते कहण लगे, ए तू कैसा कर्म किया है? चबूतरे उपर बहुत कबूतर रहिंदे हन, वेखण तो बगैर उस उपर पैर दे के मार दिता है। सतगुरु जी ने कहा, की हो गया है? मरन वास्ते ही सारे शरीर बनाए हन, एक दे मरन नाल की आश्चर्य होया है? जिस होनी ने होना है उस उपर गुस्सा क्यों किया है? यह सुन के सारे बोले, भले तुसी आए हो, सारे कबूतर मरवा दिओ। यह सुन के गुरु जी ने कहा, जे तुहाडे मन विच ऐसी आई है तां हुण सारे कबूतर मर जाणगे। गुरु जी दे बचन कहण करके सारे कबूतर ही मर के डिग पए। हज़ारां कबूतरां दे बैठण दा स्थान सी, वेख वेख के मनुख बहुत हैरान होए, यह पुरख वड्डी करामात सहित है, एक बचन करन नाल ही सारे पंछी मार दिते हन। सारे उठ उठ के वंदना करन लगे, साडी भुल वास्ते खिमा बख्शो, जेड़े असी उल्ट बचन उचारण किते हन। आप जी का प्रताप नहीं जाणिया है, हुण जाणिया है जद आप जी ने बचन किया है। इन्हां मरे हुए कबूतरां नूं जवा दिओ
होर कोई अवग्या नहीं करते हाँ। उन्हां दी बेनती सुन के गुरु जी ने कृपा करके उच्चारण किया, चोगा पाओ सारे ज्यौंदे हो जाएंगे। उन्होंने दाने खिलार दते तां सारे कबूतर जीवन धर के उठ पए, चुन चुन के चोगा खांदे सन। वेख वेख के सारे हैरान हो रहे सन। सिख दे पैर नाल जिहड़ा मरिया सी ओह ना जिउंदा होया धरती उपर मरिया होया पिया रहा। उसनों वेख के फिर सारिआं ने उच्चारण किया, इस उपर अपनी कृपा क्यों नहीं धारण की। सिंघां ने भी कहा इसनों जिवाओ, तो सतगुरु जी ने कहा इसनों चोगा पाओ। सिखां ने चोगा लैके उसके अगे पाया, जद मोठ बाजरी उसके अगे खिलारे उठ के जिउंदा हो गया। वेख के सारे हैरान होए। वह मनुख फिर उपहार लैके आए तो आके उन्होंने सीस झुकाए तो कहण लगे, सतगुरु जी का जिमें श्रेष्ठ जस असी पहला सुनया सी उस प्रकार ही आप जी के दर्शन किए हैं। दो घड़ियां सतगुरु जी उत्थे ठहरे, फिर वड्डे बाजार विच चले गए। उत्थे वड्डे तनाट बाणियां का व्यापार चलता सी ते हट्टियां विच अशरफियां दे अंबार लगे हुए सन। चांदी दे सिक्कियां दी तां गिणती कोई नहीं सी, बहुत कीमती मोती अते हीरे जवाहरात वेखे, मोहरां वेख के वड्डा आनंद धारण किया। गुरु जी ने सिंघां नूं सुना के उच्चारण किया, नौर गुरु दियां मोहरां हन, जद सिंघ आउणगे तां फिर मोहरां लुट्टणगे। इस प्रकार कह के सारा नगर वेख्या, फिर उत्थे आ गए जिथे डेरा लाया सी। उस स्थान का नाम छीनतलाई है, जिथे गुरु जी उतारा करके ठहरे सन। खा पी के सारी सेना आराम नाल सौ गई ते सुख नाल रात बतीत की। लुट्टण दा बचन जड़ा गुरु जी ने कहा सी वह पूरा होया है, कवि जी कहिंदे हन असी इस प्रकार सुनया है। संबत 1811 नूं पंथ खालसा मलो मल्ली उत्थे गया। चूरूपुर दी वड्डी माया सुन के खालसे दा एक वड्डा दल उत्थे धावा बोल के गया। नेड़े पहुँच के सारी गल सुनी, खारा पानी है पीता नहीं जाता है, जिहड़ा भी पींदा है उसनों दस्त लग जाते हैं ते मनुख बीमार हो जाता है। नगर दे बाहर ऐसा ही जल है, पीता नहीं जाता है, पीन नाल रोग जिहा हो जाता है। ये सुन के बलवान खालसा वापस आ गया। फिर आपस विच कहण लगे, खाली चलीए ये चंगी गल नहीं। फिर सिंघां दा सारा दल नौहर शहर वल चल के आ गया ते आ के बंदूकां नाल जंग मचा दिता। हमला करके शहर दे अंदर प्रवेश कर गए ते बाजार लुट लिया। बहुत धन अते अशरफियां लईयां, तृप्त हो के उत्थों चल के आ गए। घोड़े मुल लै के अपनियां सवारियां बनाईयां। उस समय कई वड्डे वड्डे सरदार बन गए ते तुरकां नूं मार के बहुत पिंड खोह लए। फिर गुरु जी का कहा होया सफल होया बजुर्ग सिंघां पासों असी सुनिया है। सतगुरु जी ने छीन तलाई विखे डेरा लाया सी। सतगुरु जी ने उत्थे रह के रात बतीत की। सवेर होने ते शौच इशनान किया, फिर घोड़े उपर चढ़ के अगे चल पे। खालसे का दल नाल जा रहा सी। फिर सतगुरु जी 18 पेंडा करके अगे पहुँचे। फिर भादरा नगर में जाके उतारा किया। थकी हुई वहीर भी उत्थे आ पहुँची। घा दाणा अते निहारियां बहुत दे के घोड़ियां दी भारी थकावट दूर की। लोगों नूं बहुत थके हुए जान के सतगुरु जी ने बहुत मिठा अते घ्यो दिता। फिर लंगर तैयार करवा के वरताया ते खा पी के सारे तृप्त हो गए। फिर सौ के थकावट दूर की। फिर सवेर होने ते तैयारी कर दिती। भाई परम सिंह अते भाई धर्म सिंह दोवां दी सेवा वेख के गुरु जी बहुत प्रसन्न होए। सतगुरु जी तो पहला ही पहुँच जाते सन ते नवा मंजा सदा बना लेंदे सन। गुरु जी ने दो घोड़े अते दो हथियार बख्शे। उन्होंने गुरु बख्शिश जान हथ धार के लै लई। सतगुरु जी राहे राह अगे जा रहे सन। जिस दिन अपने साथियों नूं थके हुए जानते सन उस दिन छोटी मंजिल करके डेरा उतार लेंदे सन। सत्तां कोहां ते जिहड़ा पिंड आउंदा सी उत्थे डेरा कर लेंदे सन। एक पिंड का नाम सुहेवा जान के उत्थे सारयां ने उतर के डेरा कर लिया। भाई परम सिंह ने फिर हथियार लैके बन के सिर उपर धारण कर ले। घोड़ियां नूं राह विच रस्सियां तों फड़ के लियाए। उन्हां ने घोड़ियां उपर चढ़न दा लालच ना कीता। गुरु जी दे बख्शे होए घोड़ियां नूं बहुत उत्तम जाणिया, बहुत अदब रख के माण दिता। सिखां ने सतगुरु जी नूं जाके दस्या घोड़ियां उपर नहीं चढ़े हन, पैदल आए हैं।
ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਰੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਧਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਨ, ਉਲਟਾ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਾ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸਜਾਏ ਹਨ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਧਰ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਨੀਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਾਂਗ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਜੰਡ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਉੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਦ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਮਹਾਨ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਡ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਦ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਿੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਦ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਹਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।